हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस 2004 की। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि पुराना टॉपिक है, सिंस एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हम जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं। इन द इलेक्शंस ऑफ 2004 कांग्रेस पार्टी टू एंटर इनटू कोलिशंस इन ए बिग वे। बहुत ज्यादा कोलिशंस कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। कोलिशंस में इलेक्शन से ही पहले अलायंस हो गया था, समझते हो ना? प्री अलायंस, पोस्ट अलायंस नहीं समझते तो अभी समझा देते हैं। प्री अलायंस का मतलब होता है कि इलेक्शन से पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाना। जैसे अगर 200 सीट्स हैं किसी जगह पे, तो कांग्रेस ने बोला कि मैं 120 पे खड़ा होता हूँ, समाजवादी पार्टी 30 पे हो जाए, बीएसपी 30 पे हो जाए, 20 पे बीजेपी हो जाए। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो एग्जाम्पल ले लिया। तो प्री अलायंस, ठीक है। और एक होता है पोस्ट अलायंस, पोस्ट इलेक्शन अलायंस, है ना, कि कांग्रेस भी 200 सीट्स लड़ी, बीएसपी भी 200 सीट्स लड़ी, एसपी भी 200 सीट्स लड़ी, बीजेपी भी 200 सीट्स लड़ी। कांग्रेस की सीट्स आई 110, इसकी 40, इसकी 20, और इसकी कितनी बच गई बताओ भाई, जल्दी मैच करो, 30। तो ये बोल रहे हैं कि चलो हम सब बाद में मिल जाते हैं और सरकार बना लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये बोले बाद में, या थोड़ा सा अगर रियलिस्टिक एग्जाम्पल हो तो ये 90 कर लो और इसे 40 ही रहने दो, और इसको 40 कर दो, इसको 30, ठीक है। तो 90 सीट से कांग्रेस की 200 में से, और कांग्रेस बोले कि हमारी सरकार तो बन नहीं रही है, तो कांग्रेस और लेट्स से बीजेपी साथ आ गए, और 100 सीट्स, 120 सीट्स हो गई, कांग्रेस बीजेपी साथ आ गए और उन्होंने सरकार बना ली। आप बोलोगे मैंने कैसा एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस बीजेपी अभी नहीं आ रही, लेकिन फ्यूचर में आप देखना कांग्रेस बीजेपी भी साथ आ सकती है ना। तो ठीक है, ये चीज हुई। आई होप आपको क्लियर हो गया। प्री अलायंस मतलब इलेक्शन से पहले ही सीट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी प्री अलायंस कांग्रेस का सक्सेसफुल नहीं रहा था, मे भी ऐसा हो उत्तर प्रदेश के अभी इलेक्शन हो रहे हैं कि अगर बीजेपी मेजोरिटी में ना आए तो मिल मिला के समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तो कांग्रेस सरकार बना ले, है ना। तो ये पोस्ट अलायंस हो जाएगा। तो कांग्रेस कोलिशन में पहली प्री अलायंस में काफी ज्यादा गई थी 2004 में। एनडीए वॉज डिफीटेड एंड अ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस नोन एज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम टू पावर। तो यूपीए बना था जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, ठीक है। तो एनडीए वाजपेयी सरकार की हार हुई थी और कांग्रेस आई थी, लग रहा था सोनिया गांधी पीएम बनेंगी, बनी पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिस गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम दी लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, लेफ्ट ने सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टीज, है ना, उन सब ने सपोर्ट दिया था। सीपीआई और भी बहुत सारी हैं, लेफ्ट पार्टीज को मिला मिला के बोलते हैं, ठीक है। कुछ मार्क्सिस्ट भी होती हैं, कुछ मार्क्सिस्ट नहीं लगा होता उसको, आप देख लेना सबको। लेस कम्युनिस्ट जिस पार्टीज करके जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो सब लेफ्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपको मिले ना, लेफ्ट मतलब ये सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के, मार्क्स विचारधारा के, ठीक है। राइट मतलब अलग विचारधारा के, जैसे बीजेपी को जनरली राइट विंग कहा जाता है कि अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट को मैं ज्यादा यानी समझा रहा, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। लेफ्ट, लेकिन आपको आई होप समझ में आ गया थोड़ा सा तो कि क्या है राइट। इलेक्शंस ऑफ 2004 आल्सो विटनेस द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो लग रही थी खत्म हो जाएगी, उसका रिवाइवल हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इट कुड इंक्रीज इट सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991। 1991 के बाद उनकी पहली बार सीट्स बढ़ी हैं। हाउएवर इन द 2004 इलेक्शन देयर वाज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन द वोट्स पोल्ड बाय कांग्रेस एंड इट्स अलाइज एंड द बीजेपी एंड इट्स अलाइज। और हम ये भी देख चुके हैं दोस्तों कि वोटिंग शेयर तो ज्यादा फर्क नहीं था बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस की अलायंस पॉलिटिक्स की वजह से वो जीत गई, ठीक है। दस द पार्टी सिस्टम हैज नाउ चेंज्ड ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली फ्रॉम व्हाट इट वाज टिल द 70s। तो अब आपको दिख रहा है दोस्तों कि कोलिशन गवर्नमेंट बनने, ये 70 में तो सिंगल पार्टी जीत जाती थी। द पॉलिटिकल प्रोसेसेस दैट आर अनफोल्डिंग अराउंड अस आफ्टर द 1990s शो द इमर्जेंस ऑफ ब्रॉडली फोर ग्रुप ऑफ पार्टीज। तो फोर ग्रुप ऑफ पार्टीज हम देखते हैं वो क्या है। एक तो पार्टीज जिनका कांग्रेस के साथ कोलिशन है, फिर पार्टीज जिनका कोलिशन है बीजेपी के साथ, कोलिशन या अलायंस। लेफ्ट फ्रंट पार्टीज जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज है ना, नंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज जिन्होंने वेस्ट बंगाल पे अच्छा खासा रूल करा था, ज्योति बसु आपको पता होने चाहिए, है ना, फिर टीएमसी बाद में बनी थी। फिर अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री, जैसे टीएमसी हो गई, एआईएडीएमके हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, वो जनरली आउटसाइड रहती हैं। बीएसपी, एसपी,
आरजेडी और भी बहुत सारी पार्टीज हैं ना, वो सब थर्ड पार्टी आप भी कह सकते हो, है ना, इस कैटेगरी में आम आदमी पार्टी। अब 2019 चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज को भी अब थर्ड कैटेगरी में डालो, तो दो कैटेगरी हो गई हैं अब, बीजेपी और इसके अलायंस, कांग्रेस और उसके अलायंस, और अदर। अदर के लिए अब वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों थर्ड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, इसमें बाकी सब आते हैं ना। तो अब की ये सिचुएशन है, लेफ्ट पार्टीज का मुश्किल हो गई है ना, रिवाइवल भी उनके लिए टफ है, उनकी कोई आइडियोलॉजी को सोच नहीं पा रहे हैं वो कि किस किस बेसिस पे हम आगे बढ़े। द सिचुएशन सजेस्ट दैट पॉलिटिकल कंपटीशन विल बी मल्टी कॉर्नर, तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बढ़ा है, बाई इम्प्लीकेशन द सिचुएशन ऑल्सो अज्यूम्स अ डाइवर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी अलग अलग थोड़ी सी हो गई है, कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी, बीजेपी की अलग, लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी निकाल रहा है उसकी क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो आपको दिख रहा है कि 2019 में गायब हो गई है ऑलमोस्ट। बाकी की आइडियोलॉजीज थोड़ी सी स्टेट लेवल की, जैसे AIADMK थोड़ा तमिल, DMK भी तमिल है ना, SP अपना थोड़ा चलाती है UP वगैरह का वोट स्मार्ट तरीके से, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन एरिया, सबका थोड़ा अलग अलग है ना। तो ये तो 2004 का एक बार वोट शेयर देखेंगे, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये NDA जीता है, देखो अच्छा खासा जीता है NDA, ये जो पिंक कलर का है, UPA जो कांग्रेस है वो भी देखो ज्यादा नहीं है, तब भी 2004 के इलेक्शन में जीत गया लेफ्ट। देखो मैंने जैसे वेस्ट बंगाल बताया था, दूसरा केरल में जीतते हैं, केरल में हमेशा लेफ्ट की सरकार ही बनती है ना, केरल वगैरह ये हो गया है ना, त्रिपुरा वगैरह ये सब जगह जो है यहाँ पर भी कुछ कुछ होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की कुछ कुछ स्टेट्स में आपको दिखेगा। वेस्ट बंगाल और केरल मेन होल्ड है लेफ्ट का, और अब तो वेस्ट बंगाल से भी गायब हो गया है लेफ्ट, ठीक है। अदर्स ये रहे भाई, अदर्स देखो ये उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है क्या, क्यों क्यों दिख रहा है भाई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूपी और वो आपको अदर्स यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि तमिलनाडु वगैरह में अलायंस था AIADMK DMK वगैरह के साथ। नॉर्थ में आप देखो तो जम्मू कश्मीर में वो बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बाकी ये लद्दाख का एरिया है ये, वैसे तो लद्दाख है ना वो वाला एरिया है, यहाँ पे तो वोट होता ही नहीं है, जो ये जो कम हल्का नीला दिखा रखा है ना, यहाँ तो वोटिंग होती नहीं, क्योंकि क्या है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे भी नजर मार सकते हो, अदर जीता है और अंडमान निकोबार में UPA जीती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर 2004 के इलेक्शंस के साथ, आई होप आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट कि ग्रोइंग कंसेंसस क्या है सब पॉलिटिकल पार्टीज में जो होता जा रहा है वो आप देखेंगे। थैंक यू।